बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बागेश्वर को और ये आ गए हैं अपने मोहनदा यहाँ पर और चक्षु भाई पीछे से बैठे हुए। आज हम तीन के तीन भाई साइकिलिस्ट आज हम पहुंचेंगे बागेश्वर। आज वहां पर बहुत से बंदे आ रहे हैं, बाहर के सिंगर्स भी आ रहे हैं, कुछ पंजाबी सिंगर भी मैंने सुना है, एक आ रहा है करके, कौन गिल गिल करके है। तो आज एंजॉय करेंगे यार, आज तुम्हारे भाई का बर्थडे भी है, बर्थडे से बर्थडे भी कर लेंगे थोड़ा। और वंदा क्या है फिर सीन पानी? चलो फिर आप चलें, क्या है बागेश्वर को चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का सब कुछ, मस्तियां पल अपना भरा हुआ सब कुछ दिखाएंगे आगे को, ठीक है? क्या क्या हम करते हैं और कैसे हम जाते हैं और हमारे संग एक रिश्ता आ रहे हैं, तो समझ लो कि हमें बहुत मजा आने वाला है आज। आज की राइड हमारी बहुत आसान होने वाली है, हमारा सौभाग्य है जी। तो हम पहुंच चुके हैं बसवली पे, बसवली में यहाँ पर चाय पीने रुके हुए हैं। ये है हमारी टीम, मोहन अपने बैठे हुए, चाय हमारी आ रही है, एक बार की पी ली है, एक बार और मंगाई, बहुत स्वादिष्ट चाय थी। तो यहाँ से तकरीबन हम 20 किलोमीटर चले होंगे, 20 किलोमीटर हम चले थे, 20 किलोमीटर चले हैं, बसवली पहुँच गए हैं। तो वीडियो तो चल देते हैं भाई, अब यहाँ से हिमालय और पहाड़ियों से घिरे इस स्थान में किसी भी वर्ष आया जा सकता है। इस प्राचीन पर्वतीय नगर में लगभग सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। बागेश्वर अपने में संस्कृति, इतिहास, कला, साहित्य को समेटे हुए है। यहाँ पर से कई उच्च हिमालय गांवों और पिंडारी ट्रैकिंग का रास्ता भी यहीं से जाता है। पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ऐतिहासिक स्थान बागेश्वर उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में समुद्र तल से 1004 मीटर की ऊंचाई पर है। बागेश्वर जिला मुख्यालय है। भगवान शिव के एक रूप बागनाथ जी का स्थान बागेश्वर में है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की धार्मिक नगरी और तीर्थ स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध है। बागेश्वर की सीमाएं अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों की सीमाओं से लगी हैं। नगर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में भीलेश्वर पर्वत, उत्तर में सूर्यकुंड तथा दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्दी आए। बागेश्वर यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर ही है अप्रॉक्स। थोड़ी देर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रील्स वील्स शूट करते हैं। सो पहुँच गए हैं उतरणी का मेला देखने के लिए, कौतिक उतरणी कौतिक आ रहा हो, जस्सी की लाने वाला है, बोल रहे हैं पता नहीं आ जाएगा कल आएगा पता नहीं। और आपको एक साउंड भी सुनाई दे रही है, मोहनदा के पास ही जाने वाली है ये वीडियो, क्योंकि गोप्रो नहीं का है, हमारा तो है नहीं, तो खुद भी काट सकते हैं या खुद ब्लॉग में भी रख सकते हैं। जेंटलमैन और मैं तो मजे ले रहे हैं भाई, फुल टू पावर से मजे ले रहे हैं हम, ठीक है? आओ जरा आपको जंगल का थोड़ा टूर भी करा देते हैं जेंटलमैन। हाँ तो ये ऐसे करके थोड़ा सा पीछे तो हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही एक वादा करा था, जो भी हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण, जो हमारा खूबसूरत जो पल होगा इस जगह, तो हम उसको प्यार से दिखाएंगे, तो आप इसको एंजॉय करिए। तो यहाँ से पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही पलों में, 5-1 किलोमीटर बचा हुआ है, मोहनदा
और हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर जंगल में, और वो खड़ी है अपनी गाड़ी वहाँ पर। तो ये है कुछ यहाँ का रोड का। तो दगड़ियों, मैंने अभी इको का नाम अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, रखा नहीं है, पर धूमधाम से मनाया जाता है। सरयू और गोमती तट पर स्थित शमशान घाट का पौराणिक महत्व भी है। यहाँ अंतिम संस्कार अथवा दूसरे संस्कारों के लिए बागेश्वर जनपद समेत अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपद के लोग भी आते हैं। यहाँ पर समय समय पर कुछ संगठन सफाई अभियान भी चला देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उत्तरायणी मेले का इतिहास। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान उत्तरायणी मेले ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। Oh, 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 oh
बागनाथ मंदिर के प्रांगण में कत्यूरी शैली के पटाल बिछे हुए हैं। बागनाथ मंदिर का स्कंद पुराण में भी उल्लेख किया गया है। बागनाथ मंदिर के खुलने का समय गर्मियों में सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक है और जाड़ों में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है। जय भोले बाबा जय बम। तो पहुंच गए हैं मंदिर में, बागनाथ के बागनाथ का मंदिर है पूरा प्रॉपर प्रॉपर बागनाथ का मंदिर है यहाँ पर। तो थोड़ा सा लाइट वाला एरिया है यार, तो यहाँ पर आए तो भी गोबरों में रात पूरा नहीं आती है, अलग से एक लेना पड़ता है। शायद मेरी आवाज़ साफ आ रही हो नहीं आ रही हो पता नहीं। चलो मेले घूमते हैं, मेला दिखाएंगे आपको। बागेश्वर नुमाइश के प्रमुख आकर्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। लोक नृत्य और गायन प्रदर्शन, छोलिया नृत्य और झोड़ा छाछरी ढोसको आदि की धूम मची रहती है। उत्तरायणी में हस्तशिल्प की बिक्री और बागनाथ मंदिर प्रमुख है। उत्तरायणी का एक विशेष पकवान भी है जो यहाँ पर घर घरों में बनाया जाता है। इस दिन कुमाऊँ में कौए को घुघुत खिलाने का महत्व माना जाता है। कौए को काले कौआ काले घुघुती माला खाले करके घुघुती खाने के लिए बुलाया जाता है। घुघुत आटे और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है जो कि तल के बनाया जाता है। घुघुत कुमाऊँ लोगों का विशेष पकवान है जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर घर घर में बनाया जाता है। नुमाइश में बहुत से झूले लगे हैं, घनचक्री लगी हैं और रोलर कोस्टर्स लगे हैं और बच्चों के लिए बंदूकें लगी हैं जिसमें बैलून्स जो होते हैं फोड़ने के लिए वो लगे हैं। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा इस मेले को। और मेला 2 से 3 घंटे घूमने के बाद हम चल देते हैं यहाँ से अपने लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ की हमें आराम करना था। हम वहाँ जाते हैं और खाना पीना खाते हैं, वहाँ पर बनाते हैं खाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक करें, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके। बागेश्वर को एक वीडियो में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप चाहते हैं अगर मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखना मुझे जिससे मुझे पता चल सके। यार मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।